हिसार लोकसभा की टिकट किसे मिलेगी? रातों रात गेम पलट गया। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि आप वीडियो देखते तो सभी है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जो है सिर्फ 3% लोगों ने ही कर रखा है, तो आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिसार लोकसभा जितनी हॉट इस बार हो चुकी है शायद ही कोई लोकसभा जोन के आसपास हो। हॉट होने का कारण है कांग्रेस का कैंडिडेट। कांग्रेस किसे टिकट देगी? कई बड़े दांव पेच चले जा रहे हैं, कई बड़े नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कई के इंटरव्यू आपने जो हमारे चैनल पर देखे भी होंगे जो दावेदारियां ठोक रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल वही है कांग्रेस किसे टिकट देगी। कुछ ही घंटों में जो हो सकता है कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट घोषित कर दे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला। वीरेंद्र सिंह डुमरखा को जो है राजनीति का बड़ा पहुंची हुई चीज कहा जाता है और वो उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह सदा राज में रहना पसंद करते हैं, उन्हें जो है विपक्ष में रहना पसंद नहीं है और ये कई बार देखा भी गया है और वो ज्यादातर राज में रहे भी हैं। अपने करियर में जब उन्होंने एक बार राज देखा फिर उन्होंने अपने हाथ से राज जाने नहीं दिया, चाहे उन्हें पार्टी भी क्यों ना बदलनी पड़ी हो। 2014 में जब उन्हें लगा कि कांग्रेस जो है वीक हो गई है और बीजेपी का राज आएगा तो वो बीजेपी में चले गए थे। और राजनीति के पंडित ये कह रहे कि अब उन्होंने देख लिया कि बीजेपी में ना तो उनकी जो है वैल्यू बची है और ना बीजेपी का मतलब इस बार राज आने वाला, इसलिए वो वापस कांग्रेस में चले गए। लेकिन जब हमने इसके अंदर की खबरें जानने की कोशिश की तो एक खबर हमारे हाथ लगी। कुछ विश्वसनीय सूत्रों की माने तो वीरेंद्र सिंह ने जो है कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे वजह जो है हिसार लोकसभा सीट है। जब उन्हें यह पता लगा कि उनका बेटा विजेंद्र सिंह इस बार सीट के पास नहीं पहुंच पा रहा तो वीरेंद्र सिंह जो है खुद मैदान में कूद पड़े। ये बात तो मैंने पहले ही बताई थी कि वो राज को आसानी से जाने नहीं देते। विजेंद्र सिंह का जो है अलग कद था, अलग रुतबा था, लेकिन वीरेंद्र सिंह का अलग रुतबा है, इसलिए वीरेंद्र सिंह अब खुद मैदान में कूद कर दावेदारी ठोक रहे हैं। और विजेंद्र सिंह को जितना आसानी से कांग्रेस आला कमान साइड कर सकती थी वीरेंद्र सिंह को उतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े नेता रहे हैं और कई बार MLA बने हैं, सांसद कई बार बने हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों से जो है सांसद बने हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। ऐसे में अगर वो दावेदारी ठोक रहे हैं तो उनकी टिकट काटने के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। खैर, देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस जो है किस पर दाव खेलेगी। क्या अभी भी वो वीरेंद्र या विजेंद्र यानी कि पिता पुत्र में से किसे टिकट देगी, या फिर अन्य नाम जो पैनल में चल रहे हैं उन्हें जो है टिकट देगी। फिर देखने वाली बात यह भी होगी अगर वीरेंद्र और विजेंद्र को टिकट नहीं मिलती है तो वीरेंद्र सिंह का अगला कदम क्या रहेगा। क्या फिर से वो जो है कांग्रेस को छोड़ देंगे और किसी तीसरी पार्टी में चले जाएंगे, या फिर विधानसभा चुनाव का जो है इंतजार करेंगे। खैर, ये तो वो बातें हैं जो पार्टियों की आलाकमान ही बता सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो है आप अपनी राय दे सकते हैं। हिसार लोकसभा से जो है किसे टिकट मिलनी चाहिए, कांग्रेस को जो है किस पर दाव खेलना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कमेंट जो हमारे लिए बड़ा कीमती है, आप अपनी राय खुलकर रखिए। कांग्रेस को किसे टिकट देनी चाहिए, पिता पुत्र को जो है क्या करना चाहिए। और लास्ट में वही रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।